से अजा 26 सफर सारा दिन मरकजी इमाम बारगा जागीर अली अकबर चेलिया वाला स्टेशन होगी जिदे मुलक दे नामवर जाकरीन पढ़न आए ने मोमना के गुजारिश है मजलस सुन के स्वाबेदार रहन हासिल करियो हूँ जनाब के सामने बैरुल मसाइब जाकर जनाब राजा ताहिर अब्बास साहब आफ सरगोदा और उन्होंने तो फौरन बाद सुल्तान जाकरीन मुसव्वर गम बैरुल मसाइब जाकर जनाब मलक अली अब्बास अलवी साहब आफ चुनिया ओ खिताब अगर बेइज्जती न समझो तो थोड़ा जहा अगे आ जाओ जी बेइज्जती समझो तो बस बैठे रहो कोई मसला नहीं ऐसा तो रोज जो पढ़ने ये बंदे लाइटें तो नहीं घबराते जी आ जाओ यार एक दूजे नु जो वेदे पे हो ठीक हो गए जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बुलंद सलवात काल सुभानहु व ताला फी किताबिल मजीद बकियतुल्लाह खैरुन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन सलवात नारे तकबीर बोलो जी अपने मिजाज के मुताबिक शामिल हो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हाथ बुलंद करके नारे हैदरी सलवात ऐसी पढ़ो सरकार रजा दा हरम याद आ जाए इंतहाई बाज बोले त्राम जी कदर जी इज्जत जी वकार सदा तो मुमनी नजर दराने मुजरूम करबला मातमी मेरे शबीर सरदार दे कसरत दे नाल मेरे सामने जवान तशरीफ फरमा अज दी मजलिस मैं उस हस्ती दा जिक्र करना चाहता जिस दी खातर अल्लाह कयामत नू रोकिया होए सलामत रहो जी मिजाज मिला वे जी मेरे नाल उस हस्ती दा उस उम्मीद दा जिक्र करना चाहना जिस उम्मीद ते दुनिया का है। तीसरा जुमला मैं हर वक्त ड्यूटी पे देना एक एक बंदे दे मिजाज तो वाकफ हाँ अगर मौजिया वाले दे जुमला जाया हो गया थोड़े हाथ बुलंद ना होए तो मैं वादा पे करदा पूरे मुल्क वे जुमला ना अक्सा मैं उस हस्ती का जिक्र करना चाहता जिस दे कदमा दे करीब सजदा करन वास्ते ईसा बेचैन बैठे सलामत सलामत सारे बोले उस इमाम का जिक्र करना चाहता जिस दी असर रैयत है दाद हो गई हूँ बेशक खामोश हो जाओ मैं मुतमैना उस इमाम का जिक्र करना चाहना कि तुहाडे मेरे समेत कोई बंदा अगर उसकी मारिफत हासिल नहीं करता उसकी मौत जहालत की मौत आज दी मजलस से फैसला करना है बस सानू इमाम दी कितनी मारिफत 2012 च पहली मरतबा खबर चल गई कयामत आ रही है सुने हो सी तुसा वध 2017 दे विच खबर चल गई कयामत आ रही है मिंबर ते हाथ रख के पैदा ढेर सारे मुसलमानां दे तबके भी डर गए कयामत आ रही है कयामत आ रही है बंदे गलियां दे विच टुरदे ते आ दिन कयामत आ रही है वाहिद शिया हाई और उन्हां दे छोटे छोटे बच्चे गलियां दे विच बंदियां दा बाजू पकड़ के आ दिन कयामत किवें आवे बारवां तां आया नहीं हाय हाय आत्मी दा हाथ बुलंद होवे सारे बोले भाई इमाम तो आया नहीं कयामत किवें आवे चलो एक ऐसी मिसाल देवा जो हर बंदे तक गल बराबर पहुंच जाए इल्मे फलसफा दा कानून है कि कोई भी ताकत उस वक्त तक अपने हद्दे कमाल नू नहीं पहुंच सकती जिस वक्त तक वो अपनी बुनियादी शक्ल च ना आ जाए
कोई भी शय उस वक्त तक गल याद रखे है हद कमाल नहीं पहुंच सकती जिस वक्त तक वह अपनी बुनियादी शक्ल ना आ जाए। कणक का दाना जमीन दे विच बोया वे ये कोई औखी गल आई वजह तो चुप कर जाए नाराज ना हो गल कर लवान इन चुप की नहीं जिम्मे सलाइस खाते हो सारे तुम तो पता ही बहार का पैसा जो आते कि तक पाँगी कणक का दाना जमीन च बोया वह जी पक्का दाना पीले रंग का बिस्मिल्लाह किबला पीले रंग का दाना जमीन च बोया वह जिस वेले ओ थोड़ा वक्त गुजरद अल्लाह की कुदरत दे नाल किबला तशरीफ लै एक गल कर सौ उसके बाद जिक्र मसाए अल्लाह की कुदरत दे नाल ओ जमीन का सीना चीर के उस दाने चो छोटा जिहा पौधा बाहे कणक दिठी होसी तुसा इतना कमजोर वह पौधा होंदा है बई अपना वजन बिचाना उस वास्ते औखा होता है। पहले त्रै चार दिहाड़े में अगर बारिश हो जाए या कुछ सख्त अंधेरी आ जाए तो किसान आ दें जी साड़ी कणक जाया हो गई साड़ी कणक ढह गई यानी इतना कमजोर वह पौधा होंदा है अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। थोड़ा जिहा वक्त गुजरता है अल्लाह की कुदरत दे नाल उही कमजोर पौधा जवान होंदा है। हर चेहरे ते मेरी निगाह और हर बंदे नू तकरीबन मैं बाई नेम बाई फेस जानदा बाई मदाह शाहरी जिम्मे आते होंगे भैया इस गल ना बोले तो मैं कोल आवे सज मैं भी कोल आवे स गल एडी आसान कर लगा जिस वे पौधा होंगे नहीं जी जवान तो जिस वे पौधा इस काबल हो जाए जो अपने जैसे 70-80 का भार चाल हो अपने जैसे 70-80 का वजन चाल लवे उस वेले उसते एक सिट्टा एक बाली सिट्टा लगते उस दे विच दाने बढ़ना शुरू होवे वो जिस वक्त ग्रीन कलर का सबज रंग का सिट्टा होवे ना जी ते तुसी सिट्टा ला के ते विचों एक दाना लैके उसनू इंज हाथ च दबाओ दोधिया रंग का मवाद बाहरा सी होसी दाना दोधिया रंग का मवाद बाहरा सी ते वो बंदा किसी किसान नू या जिस दी भी वो गंदम हो उसनु आखे भाई तेरा मकसद आई दाने हासिल करना ते दाने ते बन गए हुण तू गंदम दी कटाई क्यों नहीं पिया करदा वक्त तू पागल त नहीं पता नहीं किस तवज्जो च तुसा बैठे तू जल्ला त नहीं अजे ये उस शक्ल च नहीं आया जिस शक्ल च मैं इसनु जमीन च बोयाई ये बुनियादी शक्ल च आवे वत फसल तैयार होवे ते मैं फसल दी कटाई शुरू कर देवां यही गल जमाने नु समझाण दी कोशिश कर रहे हां चूंकि कायनात दी इब्तदा है नूरे मुहम्मद मुस्तफा तू उस वक्त तक कयामत ना आसी जब तक उस मुहम्मद जैसा कोई मुहम्मद जमीन ते आ न जावे। सारे बुलाए जाओ 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 सैयदा आज़म सलामत रहो इंशाल्लाह 26 सफर अगर तुसा होए और याद होया तो इसे जा तो मैं मौजू शुरू कर देसा वक्त इतना ही कब्जे तलवार ते हथ रख के पानी नहीं खून पिया रोंदा है परदा गैबत दे विच ते रो रो के वैन कर दिया दे मेरा ला मैं इजने जहूर दे मैं कमीनी उम्मत को पुछा जेड़िया माँ की कब्र ते आधरा ते ले वेंदिया न बाजार च क्यों रुलाइया या सैयद चेलम दे अयाम मैं वक्त शनास हाँ और बानी मजलिस की हसीयत दे नाल हाजर हाँ हाजरी जरूरी आई इज्जत वाले लोगो एक जुमला आदा तुहाडे मिजाज दा कायनात दे सब तू बड़े रजील दा दरबार हाय न कर से तो मैं दुख हो सी कायनात दे सब तू वड़े शरीफां दी पेशी कौन शरीफ अदरात दे वेला हिक पीवे ओ रथ पे रोंदे हिक पुत्तर है जड़ा प्यू दे नाल कह दे कमीने सर चाहे ते आद सजाद कहदा रिहा है नहीं माफी दे भाई जी जड़े हल्के दे मातमी थोड़ा हाथ सीने ते वेखना चा संगा ले दिए सजाद कहदा रिहा नहीं ए चाबियां ले जा अपने इत्थे ला ले फुफियां दे जंजीर जिंदान च बंद के ला ले पर्दा ते अज़ादारन दे विच पिया जड़ा हैरान होवे उसका अपना मुकद्दर ते हौले हौले आदे सजाद जंग होंदी ए बादशाह दा शुगल ओ मैं सदके मैं वेख रहा जो कोई बंदा रह ना जावे जंग होंदी ए बादशाह दा शुगल सजाद मैं माफ कर दे रत वद गई मेरे कैदी इमाम दी रो रो क्या दिन तेरे इस शुगल च मेरा 40 घर बर्बाद हो गए।
इतनी देर लगती तेरे इस शुगल दे विच मेरे अकबर नू बरछी लग गई। तेरे शुगल दे विच ओ मस्तूरा बाजारा च रुलियां जिन्हां नू तुरन दा बल नहीं। बारह बच्चियां बारह और इन बारह की रूटीन होंदी है प्यो ते पुत्र निकलना ना कैदखाने चो बाहर ये निगाह रख दी दरवाजे ते। अल करे मैं समझा लवा तो एक बार जेडे बातमी थोड़ी हाय निकल जाए पूरे एक साल दे बाद अध रात दे वेले प्यो ते पुत्र नू वखरा वखरा अपनी मर्जी नाल तुरदा डिठे। सदके 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 शामिल होए मैं बिस्मिल्ला करा जी ममनून तुरदा डिठे। अली दी धी दी निगाह पई है अली दी धी दे बोलन तो पहले सजाद दवेन आए फुफी अम्मा मुबारक हो भी कैदा रिहा है मैं सुनने वाला हूं ते कितनी हाय करदा ते कितना मातम करदा कदीम दे अज़दार हो जद आखे ने कैदा रिहा है नी उस वेले मेरी सैणा दी सजाद साढ़े जे उजड़े हुए लोगों दियाँ जदा कैदा रिहा होवन वत वह कितना वेंदे दिल नरम होवे ते हथ सीने ते आ जावे रुन्नी ते रोक आदी उस शहर च मैं औरतां नूं कीवें दसां मैं छत्तियां शहरां च बुरका मंगदी रही हां। या सैयद बीबी अदी सजाद इसका मतलब है वह हर गई है। फरमाया हाँ वह हर गए। बीबी अदी मैं जित गई हाँ जी फुफी अम्मा तुम जित गए हो। फरमाया अच्छा लहा जंजीर ते वत मैं दसा बे जितनी हुई दी शर्त आदि मिंबर ते हाथ रखे हुए जी जड़े बजुर्ग हो तुसा हाय करे जवान करन तुना दी अपनी मार्फत मिंबर गवाए भजन बारह बच गई हैं बारह बच गई सवा पहर ते दिन आ जंजीर लाना शुरू होए डीगर ढल गई ते यारां दे लथे। तू तो शी है ना तेरे तवासे च नहीं जो अगली गल तू आए न करे डीगर ढल गई जवानों यारां दे लथे सवाल करो जिस दे नहीं लथे ओ कौन है तारीख आ दी जनाबे अब्बास दी थी। जंजीर पायो इंजे मातम कर सकते हैं सजाद दे कोल आके दी सजाद मैं मिन्नत करें दियां मेरे न लहा मेरे न लहा उजड़ी तेरे क्यों न लहावा अदी जंजीर पाके मैं बाबे दी कब्र ते कर बला वैसा हो सकता है मेरे लह जावन ते बाबा नाराज हो जावे वो आखे तेरे लह गए न सकीना रस्सियां पा के साम गए। अल्लमान 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 सैयदा राजी होवे सादात तो मोमिनीन बीबी अदी उसनु आख बुजुर्ग जाकरीन नु जिन्हें सुने लुट कर बला दी देवे सर शोहदा देवे जिहड़ा मसाइब विच हाजिर बैठे उहदी हायद अज़ामन पे बणदा मेरे भिरा दी उंगल देवे उस दे विच जिहड़ी मुंदरी आई ओ देवे सदा तो मोमिनीन सर मिल गए एक लफ्ज ते एक वैन सर मिल गए जनाबे अब्बास दा सर आए जनाबे अब्बास दी धी दे हत्थां ते हर चेहरे ते निगाह मैं वत मिन्नत करसां जिस्म जावे तेरा हथ सीने ते आवे धी बाबे दा सर हत्थां ते रख के टुरदी 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 जवानो उस जाते आईए जिथे आलिया बिनते अली बैठी आई इन फुफी दे चेहरे दे सामने बाबे दा सर करके रो रो के आदि अलमाला आख खोल ते वेख ए उओ ज़ैनबे अल्लामा ओ जंदे परदे बने दावे एदा चेहरा वेख ए उओ ज़ैनबे इज्जत वाले लोगो इदू काफला टुरिया उदू जाबर नू करबला दे विच मुख्तसर कर दिता जनाबे अब्बास आख्या जाबर बिताली उठ ले के सजाद गई शाम जेड़ा भी आवे ना उसनू आखी इत्थों पैदल गुजरो जे तुसा ज्यादा अमीर हो ज्यादा नफीस हो वत वल्ला मार के लंघ वंजो। मैं बुजुर्गों के एक लफ्ज आखा ए नगरी आम नगरी नहीं मुवल्ला बन गई है इंज पढ़ते हैं ना जी नगरी आम नगरी नहीं मुवल्ला बन गई है इत्थे रसूल दे पुत्रां दा खून लुड़े है ए खाक खाक नहीं खाक शिफा। इज्जत वाले लोगो जाबर दे ज़हन च गल रह गई बिताली उठ लैके सजाद शाम गए। अल्लाह करे मैं पुछा लवा मैं वेख रहा हूं तुस रोम वास्ते तैयार बैठे हो या डीगर दा वेला इस पासो धूड़ फटी जाबर ज़ईफ है इंज डिठस एक दो त्रै अद ए ओत नहीं
कुछ बंदे अजे शर्मांदे पे बाकी हाए भी शामिल हो गए। ये जवानी नसीब होवे तुर करबला दी जागीर दे बन्ने ते आए उदू जनाबे सज्जाद आए सदा तो मोमिन इत्थे कोई बंदा मेरा ना ना जान दो होवे ना तो सामने आवे जाहिरी हालत वेख के उस मुखातब करने उस अकने जाकर साहिब किसी बजुर्ग का नहीं जानता उसकी चिट्टी दाड़ी वेख के अक्सी चाचा जी कोई मातमी है तो सुना अक्सी मेरा मातमी बिरा जाहिरी हालत वेख के बंदे मुखातब कर दें जदा नाम का ना पता होवे इन सजाद आके रुके इत्थे जाबर आके रुकिया जाबर पहचान नहीं की सजाद दे पासे हैरान होके डिठे तो सार जख्मी तेरी मर्जी जे तू ना रोना होंदा ते घर बैठा रवे आ तेरी तवज्जो नहीं तो तेरा मुकद्दर वरना हाय कर लिए ज़दारा सर जख्मी पेशानी जख्मी खून पिया रोंदा अल्लाह जाने चेहरे ते केड़े दाग दाड़ी विच रत रहे थे हुण मातम करे जे समझ आवे गौर नाल जाबर डिठे गर्दन च कोई गहरा जख्म हाय सदके जुड़ गए अज़ादार रोन ते भला होवे गिसणियां जख्मी जेड़े सैयद बैठे हो तुसा हाय कराए मातमी करन तो उन्हां दी मारफत मिंबर गवाए चंद कदम पिछे हटे है उस वेले जाबर जद डिठे तलियां फटियां होईयां सोचदा पिया इसनु के आके बुलावां गर्दन झुकाइए गर्दन झुका के चंद लम्हे सोचण दे बाद आदे नां ते पता कोई नहीं इसनु के आके बुलावा चंद लम्हे दे बाद सर चाए हौले हौले आदे जख्मी मुसाफिर बुजुर्गां ले अंदाज चार सत्रह पढ़नी है हाय कर सकते हो तो जद इस आखे जख्मी मुसाफिर बीमार दी रात वद गई है हौले हौले आदन जी जबे बन गई करबला सदा तो मोमिनीन जाबर हैरान हो क्या दे परदेसिया मैनू जान दे करे जिन्हें बुजुर्गों सुने बीमार दी आवाज आंदी है जिवें मैं जानदा अल्लाह दी कैनात च कोई नहीं जान जाबर हैरान हो क्या दे मैं पहले तन डिठोया तो कोई नहीं ए डसा कित्थों दा वसदे बीमार दी आवाज आंदी है मदीना मुहम्मद तुहाडी हाय दी कसम मदीना मुहम्मद दा नाम है जाबरा दे तेरे चेहरे ते झूठ भी नहीं जुड़दा लेकिन तू मदीने रांदो वे आ कदाई तो मैं तेनू डिठो वे आ मिंबर गवाए बीमार दी रात वद गई आ दे नरुआ जदा वसदा है मैं तेरे सरदारां दियां झोलियां विच बांदा है हाय हाय गरीबी फरमाया हुण उजड़ जो गए हैं उजड़ गया नू कोई नहीं सुनने आ तेरे मिजाज दी जाकरी दा लफ सुनावा इज्जत वाले लोग जा बेरा दे अच्छा रांदो से मदीने ए डजा हुण कित्थों पिया आंदे तुसा सुन के हाय कीती ए बीमार दा हाथ जिगर ते आए हौले हौले आदे शाम या सैयदा या सैयदा या सैयदा शाम दा लफ्ज आए बीमार दे चेहरे ते मौत दी जर्दी आई जाबरा दे शाम दे ना तू इतना परेशान होए ए दसा शाम क्यों गया वे बीमार दी आवाज आंदी है मैं बिरा दी जंज दे नाल गया एम जंज दा लफ्ज आए मामला ते निगाह करके आ दे जे जंज नाल गया वे ए डसा बनरा किथे रोवण वाले बीमार दी रात वद गई है रो रो के आ दे लुट पई आई बनरा मारा गया बरात लुटी या सैयदा या सैयदा बनरा मार गए बरात लुटी गई आदे तू तो कोई राज भरिया गल्लां करेने सरचा मसाए मैं हुण पढ़ने जिंदगी दा पता कोई नहीं आदे मेरे आखिरी दो सवाल नाराज ना होवे जवाब जरूर देवे सैयदा दे बीमार मजबूर नाराज नहीं होंदे सर चावे जे मातम करने रोवण आले जाबर दी आवाज आंदी ए पुछना चाहना ए मामल च कौन है जरा अमीर बन के बैठे बेशक हाय न कर रहे बीमार दी आवाज आंदी रिश्ते च मेरी फुफी है उन मेरे काफले दी सलार इयो जी गल कीती है जाबर जड़ी गैरतमंदा नु कयामत तई रोएंदी रासी हाथ जोड़ के आदा नाराज न होवे ए दसा ए वी जख्मी हाय हाय हुण रुने भला होवे भाई भला होवे हाय सोनी कोशिश कराए तुहाडा सीने ते आवे बीमार दे इतनी जख्मी है
छत्तियां शहर च बुरका मंगदी रही है। आदम मैं तो ये गल करना चाहना है, नगरी आम नगरी नहीं रही, मुहल्ला बन गई। अगर ए जख्मी है जे टुर संगदी है ते इसनु आख ले आवे, पर्दा तेजदार च पिया आख ले आवे, जे नहीं टुर संगदी नु आख वल्ला मार के लग वंजे, नगरी आम नगरी नहीं रही, मुहल्ला बन गई। तेरी सोहनी आए दी कसम है, बीमार दी रात वध गई है, फुफी दे मामल दे कोल आके खड़ गई है, उच्चा वैन करके आदे फुफी अम्मा मुबारक होवी पेके वास पैनी। हाय हाय सोनी, हाय सोनी, वसन दा नाम है बीबी आदि सजाद क्या होया, बीमार आदे फुफी अम्मा बिरावां दा हुक्म है, कोई जेड़ा अमीर होवे इस नगरी च पैदल टुर रहा, अली दी धी दे वैन वध गए ना, बीबी आदि केड़ा इंसाफ है, कातलां च भी मैं टुरा। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा, कातला च भी मैं टुरा, अकबर दी जागीर च भी मैं टुरा, अली दी धी दवेन बुलंद होएन, बीमार पुत्र दो देख के रो रो के आदिए, मैं तो समझिया जदा कर बल वैसा, मैं डाथी सी एस तक बाले पाप नियाएन, मेरे दाखले ते अकबर ने शहाए। हाय सदका नौकरा, नौकरा मैं बिस्मिल्लाह करा, बीबी आदि कै आखे मुकदी पे नौकरी, कै आखे आवाज आंदी इस नगरी दे सरदार दा हुक्म है मुजावर आयक, बीबी आदि मुजावर नु आख मेरे मामल दे कोल आवे, मैं उस दे नाल गल कर दियां, रोवण आले जाबर करीब आए, बीबी आदि कहंदा हुक्म है जो पैदल टुर के आवीए, आवाज आंदा इस नगरी दे सरदार दा हुक्म है, बीबी आदि नगरी दे सरदार दा नाम दसा, मिंबर दी कसम अदब दियां नुगाई झुका के आदे बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, नगरी दे सरदार दा नाम है अब्बास, अब्बास दा हुक्म है, अब्बास दा नाम आए मामा तड़पिए अली दीदी, बीबी आदि जे गाजी दा हुक्म वत ना लांदी। हाय 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 मुकदी पई नौकरी, वंज जा के अपने सरदार नु आख के दण, बीबी आई खड़ी आदि मैं बहु जख्मी हां, मैं छतियां शारां च रुलदी रही हां, मेरा नाम उम्मल मसाहिब है, जे इजाजत देवे असा परदेसी है सवार होके गुजर जावी है, रोवण आले गल सुनन दी देर आई, जाबर जनाबे अब्बास दी कब्र दे पासे टुरिया है, इज्जत आले जदा करीब आया है, अजीब मंजर ते निगाह पई है, कब्र हल्दी पई आई है, कबर चुगा दी वेण करके आदम चाबर उसनू अंज के आख तेरा पेकाना।